दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु अगले चैप्टर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जी हां, एक चीज और बताना चाहूंगा सर, यहां पे लिखा है 71 नंबर का लेक्चर। क्या ये 71वीं क्लास है? जी हां, समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए आज हमारी 71वीं क्लास है। जिन बच्चों ने पीछे का वीडियोज नहीं देखा है ना भाई, पीछे का वीडियोज भी देख लीजिए। इतने ही लगन मेहनत शिद्दत के साथ मैं हर एक वीडियो तैयार किया हूँ। आज तक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों को डिटेल में एनालाइज किया गया। दोस्तों आप जाके एक बार देखिए तो सही। अभी हम जो क्लास कर रहे हैं इसमें 25 साल के पेपर को देख रहे हैं। आज तक आयोग ने जो कुछ चाहा, चाहे जिस भी आयोग की जिस भी परीक्षा में हिंदी में इस चैप्टर से सवाल बने, वो सभी सवाल दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत कमाल का चैप्टर है, बहुत मजेदार है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ने सीखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं इस चैप्टर के सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कमाल का ये वीडियो सीरीज है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। एक चीज और कहना चाहूंगा, ये जो क्लास दे रहा हूँ ये एक ट्रेलर क्लास है, ठीक है। पिक्चर देखना हो तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में बैच है दोस्तों, 395 होता क्या दोस्तों, आपके 60 नंबर का जवाब यहां पर है, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा सुपर सेलिंग जो बैच है वो तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है। एक बार इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर लिया ना, फिर हिंदी के बारे में सोचना नहीं। भारत का जो भी एग्जाम हो, जहां भी हिंदी आती हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, बड़ी एग्जाम छोटी एग्जाम, टेंशन खत्म आपका। सिर्फ एक बार ज्वाइन कीजिए, मास्टर बन जाइए, ठीक है। आइए मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर दोस्तों बड़ा कमाल का सवाल है, और आपके समक्ष जब कभी इस तरह के सवाल आते हैं तो ऐसे एक लंबी सी लाइन दिया होता है। आपको क्या करना होता है, उस लंबी सी लाइन के लिए एक छोटा सा शब्द बताना होता है, बस उसी को कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ही उसका नाम होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने दो चैप्टर पे चर्चा कर लिया। एक विलोम शब्द के बारे में डिटेल से पढ़ा, एक तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके आगे फिर और पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है जो सबके अंतःकरण। अंतःकरण मतलब क्या होता है, मन। अंतःकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंतःकरण का मतलब होता है मन। जो सबके मन की बात जानने वाला हो उसे क्या कहते हैं भैया, सबके मन की बात जानने वाले को तो अंतर्यामी कहते हैं। और अंतर्यामी है कौन, दो ही लोग हैं, या तो भगवान अंतर्यामी है या तो बागेश्वर बाबा। नहीं तो मजाक कर रहा हूं, ठीक है। भगवान सिर्फ और सिर्फ सबके मन की बात कौन जानता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो अंतर्यामी है वो कौन है, सिर्फ ईश्वर अंतर्यामी दोस्तों भगवान है, जो सबके अंतःकरण की बात जान लेता है, सबके मन की बात जान लेता है। तो आपका जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल है जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले, यहां पर एक शब्द दिया दोस्तों न, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। और अगर यही पूछ देता जो पहले हुआ हो, जो जो पहले पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो पहले हुआ हो अगर ये पूछता तब आप बताते इसे कहा जाता भूतपूर्व। क्या कहा जाता है, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं कि फलाने भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, फलाने व्यक्ति भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री थे, सांसद थे, विधायक। भूतपूर्व मतलब जो पहले थे, लेकिन जो पहले नहीं थे उसके लिए क्या शब्द होता है, अभूतपूर्व शब्द होता है। आराम आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम तो इत्मीनान से पढ़ाने के लिए आए हैं। कराए जो शोक करने योग्य न हो। जो शोक करने योग्य, शोक मतलब क्या होता है, शोक का संबंध करुणा से है। कैसे दोस्तों, करुणा से। जो शोक करने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अशोक कहते हैं। क्या कहते हैं, अशोक कहते हैं। शोक करने योग्य ना हो तो अशोक कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। करा जो खाने योग्य ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे अखाद्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अखाद्य। खाने योग्य होता तो खाद्य कह देते, नहीं खाने योग्य है तो अखाद्य कह देंगे। कोई कठिन है क्या, बहुत आसान है। अब क्या करूं, आयोग इसी तरह के आसान आसान सवाल पूछता है। मैं भी जब ये सवाल लिख रहा था मुझे लगा यार आयोग कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन क्या करूं, हम तो 25 साल के पेपर को लेके हाजिर हैं और जितने भी मैक्सिमम सवाल मिलेंगे दोस्तों ये सभी के सभी सवाल मैंने ढूंढ ढूंढ के रखे हैं। आप में से कोई व्यक्ति अगर जानना चाहेगा तो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि भाई किस परीक्षा में पूछा गया। किसी भी एक सवाल पे हाथ रख देना, मैं आपको बता दूंगा किस परीक्षा में पूछा गया। कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, जो बात है साफ साफ, ठीक है। ऐसा नहीं कि कवर पेज स्टाइलिश बनाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए हम ला दिए हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रूफ दे दूंगा, ठीक है। आगे सवाल दे रहा दोस्तों, जो छेड़ न हो सके, जो छेड़ न हो सके उसे क्या कहते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बच्चे के दिमाग में आएगा सर अछेड़ कर ले क्या, भैया अछेड़ बोल तो दिए, इस तरह का शब्द कभी सुना तूने, अछेड़ नहीं होता दोस्तों। जो शब्द होता है वो होता है अक्षय। क्या शब्द होता है, अक्षय। जो कभी छेड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं, अछेड़ नहीं कहते हैं।
किसी भी शब्द के आगे अ मत लगा देना कि उत्तर बना देंगे ना, ऐसा थोड़े होता है, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है जिसकी गहराई या थाह का पता न लग सके, तभी तो आप कहते हैं भैया वह जो है तालाब अथाह गहरा है, वह जो है झील अथाह गहरी है, वह कुआं अथाह गहरा है, जिसका कोई था ही नहीं है। या फिर अगाध भी एक शब्द आता है, क्या आता है, अगाध, ठीक है, चाहे अथाह कहिए चाहे अगाध कहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल करो, कह रहा है जो चिंता करने को योग्य न हो, अगर देखिए अगर ये पूछ देता जो चिंता करने योग्य हो, ठीक है, जो चिंता करने योग्य हो उसे क्या कहते हैं, अगर चिंता करने योग्य होता तो हम कहते हैं चिंतनीय, क्या कहते हैं, चिंतनीय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो साफ साफ मना कर रहा है भाई कि वह चिंता करने योग्य नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, तब अचिंत्य कर दीजिए, क्या कर देंगे दोस्तों, अचिंत्य, क्या कर देंगे, अचिंत्य, ऐसे कर लीजिएगा अचिंत्य। या फिर एक शब्द और भी लिख सकते हैं, अचिंतनीय भी लिख सकते हैं, अचिंतनीय भी लिख सकते हैं। तो चाहे अचिंत्य कर लीजिए, चिंत्य मतलब चिंता करनी योग्य, अचिंत्य मतलब जो चिंता करनी योग्य न हो, उसकी बात हो रही है। कह रहा है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, ठीक है, अब जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहते हैं दोस्तों अतींद्रिय, क्या कहते हैं, अतींद्रिय। अब देखिए दो शब्द देता है, या तो परीक्षा में अतींद्रिय शब्द दे देता है, या जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द दे देता अगोचर, जो इंद्रियों से क्या हो, परे हो। मान लीजिए परीक्षा में लिखा जो इंद्रियों से परे हो उसके लिए एक शब्द क्या होता दोस्तों, तो उसके लिए शब्द होता अगोचर। मैंने दोनों चीजें यहां पर मेंशन कर दिया, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक शब्द होता है इंद्रियातीत, ठीक है, वो अलग हो जाएगा, ठीक है, ये अतींद्रिय है, इसको आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चला जाए, अगला सवाल देखिए, कह रहा किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, ठीक है, किसी के पास रखी हुई ये वस्तु अपनी नहीं, ये वस्तु किसकी है, दूसरे की है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अमानत। आपने गाना सुना होगा, अब मेरी अमानत तेरे हवाले, सुना है कि नहीं, बड़ा शानदार सा गाना, सोनू सूद वाली मूवी, कौन सी मूवी भाई, अच्छी मूवी है, ठीक है, जो भी हो। कह रहा किसी के पास रखी हुई वस्तु, किसी के पास रखी हुई जो दूसरे की वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, अमानत कहते हैं, ठीक है। कह रहा जो बीत चुका है, जो समय बीत गया उसे क्या कहते हैं, ठीक है, बताइए, सोच समझ के बताइए, क्या लिखा है, जो बीत चुका हो, समय की बात तो नहीं लिखा है यहां पर, लेकिन मतलब तो ये होगा ना, जो बीत चुका हो वह अतीत है आपका ना, जो समय बीत गया है, जो पल समाप्त हो गया है, अब चला गया है, दोबारा नहीं, आप कहते हैं ना अतीत के बारे में, सुनते हैं अतीत के बारे में, अतीत मतलब जो समय बीत गया उस समय की बात हो रही है, ठीक है, तो अतीत हो जाएगा। कह रहा जिसकी मांग न की गई हो, ठीक है, मां, देखिए अगर मांग की गई होती तो याचित शब्द होता, यहां मांग न की गई है इसलिए अयाचित हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अयाचित, जिसकी मांग न की गई हो वो अयाचित हो जाएगा, ठीक है, और अगर मांग की गई होती तो याचित हो जाता, पढ़े ना, याचना, याचना नहीं रण होगा, ठीक है, याचना मतलब कुछ मांगना, याचना का अर्थ क्या होता है, याचना, याचना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, याचना का अर्थ होता है मांगना, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो यहां से आप समझ जाएंगे, ठीक है। करा जो दिखाई ना पड़े, जो दिखाई ना पड़े वो क्या है दोस्तों, अप्रत्यक्ष है, जो आंखों से ओझल हो, या फिर जो दिखाई ना पड़े वो अदृश्य है, या फिर जो दिखाई ना पड़े वो कौन है, अनिल कपूर है, मिस्टर इंडिया, हाँ, घड़ी पहन के गायब हो गया, मिस्टर इंडिया 2 आने वाला है, पता है कि नहीं आपको, कहेंगे आजकल सर पिक्चर की बड़ी बात करें, नहीं भाई बता रहा हूं, ठीक है, आप अदृश्य कहिए, अगोचर मत कहिएगा, अगोचर मतलब इंद्रियों से परे की बात होती है, यहां अप्रत्यक्ष या अदृश्य की बात हो रहा है, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करा जो सदा से चला आ रहा हो, ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, उसे सदावर्त कहते हैं, अनावर्त मत कर दीजिएगा, वो ढकने की बात होती है, जो सदा से चला आ रहा हो उसे क्या कहते हैं, सदावर्त, या फिर सबसे अच्छा ना कहे अनवरत, ठीक है, अनवरत, बिना रुके, ठीक है, मुझे लगता अनवरत ज्यादा सही होगा, सदावर्त मुझे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, जो सदा से चला आ रहा हो अनवरत, ठीक है, आप कहते हैं ना कि ये कार्य अनवरत होता हुआ आ रहा है, ठीक है, अनवरत मतलब लंबे समय से ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता हुआ चला रहा, तो अनवरत बोलते हैं उसके लिए शब्द, ये आप याद रखेंगे। कह रहा जो कभी नहीं मरता, जो कभी नहीं मरता भैया वो अमर हो गया ना, जो कभी नहीं मरता वो क्या है, वो तो अमर है, ठीक है, अच्छा आप देखते होंगे, अच्छा एक शब्द और लिख लीजिए यहां पर, अमर और अमर्त्य, ठीक है,
आप एक आशीर्वाद सुनते होंगे, आप कभी बूढ़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए तो बूढ़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, भैया अजर रहा अमर रहा। अमर रहने का मतलब आप कभी न मरे, और अजर का मतलब क्या होता है दोस्तों, अजर अजर का मतलब है जो बूढ़ा ना हो। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आशीर्वाद मिल गया, जो बूढ़ा ना हो, मतलब गजब का आशीर्वाद मिल गया कि आप हमेशा जवान बने रहिए, आप हमेशा जवान युवा ताकतवर बने रहिए। ठीक है, कितना बढ़िया आशीर्वाद, अजर रहो अमर रहो। अमर मतलब जो कभी ना मरे, अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। आई बात समझ में, यहां से आप समझिए। ठीक है, अगला सवाल क्या दे रहा है पढ़िए दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, कठिन कुछ नहीं है, बस मन लगा के देखते चलना है। कह रहा है जो आगे या दूर की न सोचता हो। अच्छा, एक शब्द लगा दिया यहां पर, न सोचता हो, अरे सोचवा दिए होते दूर की। कह रहा जो दूर की न सोचता हो, अदूरदर्शी। अगर दूर की नहीं सोचता है तब क्या हो जाएगा दोस्तों, अदूरदर्शी। होता क्या है ना, परीक्षा में दूरदर्शी भी ऑप्शन में देता, अब बच्चा इतना स्पीड में होता, अरे बाप रे, वंदे भारत पे बैठा होता है, उसको समझ नहीं आता कि न पूछा कि नहीं, क्या पूछा। बाद में घर जाता है, इसे माथा पीटता, अरे बाप रे, आया सवाल गलत कर दिया, हमारा ध्यान तो न पे गया ही। देखना चाहिए ना, इतना बड़ा सेंटेंस में इतना बड़ा न लिखा है, देखना चाहिए ना। अदूरदर्शी, अगर दूर की सोच लेता तो दूरदर्शी बन जाता, तभी भैया बड़े दूरदर्शी, बहुत दूर की सोचते हैं, और जो दूर की नहीं सोचता हो क्या हो जाता, अदूरदर्शी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है, जो आगे या दूर की सोचता हो, दो चीजें, जो दूर की सोचता होगा वह दूरदर्शी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दूरदर्शी। या फिर अगर आगे शब्द लिखा हो तो आप लिख सकते हैं अग्रसोची। अग्रसोची मतलब जो आगे की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो, जो आगे की सोचता हो उसे क्या कहते हैं, अग्रसोची। आप भी आगे की सोचते होंगे ना, फ्यूचर में हमारा क्या होगा, किससे शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, अरे इसके पहले पढ़ लो, परीक्षा में क्या आएगा, कितना नंबर पाएंगे, पास होंगे कि नहीं होंगे, यह भी सोचना है, अग्रसोची। ठीक है, आप बहुत दूर का सोचें, थोड़ा सा पहले सोचिए, ज्यादा आगे ना जाइए, थोड़ा सा पहले रहिए, तो अग्रसोची या दूरदर्शी। देखिए हिंदी क्या ना, लोग कहते हैं बड़ा नीरस विषय है, मैं नहीं कहता बड़ा नीरस है, इतना रस भरा है, आप कहते हैं नीरस है, कितना आराम से देखिए पढ़ा रहे हैं। अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी होता तो कितना प्रेशर होता, रे बाप रे क्या इतना कठिन कठिन शब्द, यहाँ तो इतना आसान है यार, हंसते बोलते क्लास खत्म हो जाती है और पता नहीं चलता, अगर मैं और स्पीड बढ़ा दूं तो जल्दी जल्दी हो जाएगी क्लास। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है धरती यानी पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहते हैं। एक अंतर है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान समझिएगा, आप चाहे जिस भी ग्रह पे खड़े हो, मान लीजिए आप मंगल पे खड़े हैं और पूरा दुनिया आपको दिख रहा है, पूरा ब्रह्मांड, वही अंतरिक्ष है। आप जिस पे खड़े हैं उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हम पृथ्वी पे खड़े, मंगल पे तो खड़े नहीं, इसलिए पृथ्वी को छोड़ दे रहे हैं। तो याद रखिएगा, इसके बीच का स्थान क्या हो जाएगा दोस्तों, यही अंतरिक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अंतरिक्ष हो जाएगा। मात्रा सही लगाया ना, अंतरिक्ष में, सही सही है, इतनी गड़बड़ी हो जाएगी ना। अभी अगली बार हम आएंगे ना तो ये चैप्टर लेके आएंगे, वर्तनी शुद्धि, अंतरिक्ष होता है, वो अंतरिक्ष लिख दिया था मैं, अंतरिक्ष। ठीक है, तो ये जवाब हो जाएगा। करा जिसका कोई अर्थ ना हो, अगर अर्थ नहीं है तो अर्थहीन है। ठीक है, या अर्थ नहीं है तो हम निरर्थक भी कह सकते हैं, हम कहते हैं ना सार्थक शब्द और निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक बोलते हैं, निर्धन अर्थक होता है ना, ते पढ़ते हैं इसको निरर्थक। ठीक है, तो चाहे हम इसको निरर्थक पढ़ लें और चाहे इसको अर्थहीन पढ़ लें, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, चाहे निरर्थक पढ़ सकते हैं चाहे अर्थहीन पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, बात समझ में आ रही है, थोड़ा ठंडी ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। करा जिस पर आक्रमण न किया गया हो, इससे हमें क्या सीख मिलती है। सर हर जगह न वाला सवाल आ रहा है, इसका मतलब एग्जामिनर जानता है कि आप वंदे भारत पे सवार हैं, आप राजधानी पे चल रहे हैं, आप इन न को भूलेंगे, इसलिए परीक्षा में इस बात का विशेष ध्यान दीजिए कि न लगा है कि नहीं, पहले इसको ढूंढिए, न लगने से पूरा का पूरा अर्थ ही नकारात्मक हो जाता है। करा जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अगर आक्रमण किया गया होता तो आक्रमण हो जाता, अलग हो जाता, ठीक है, आक्रांत हो जाता, यहां पे क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनाक्रांत हो जाएगा। ठीक है, अनाक्रांत हो जाएगा। करा जिसे जीता ना जा सके, कहते हैं ना अजेय, वो व्यक्ति कैसा था, अजेय था, उसे कोई जीत नहीं पाया, ठीक है, अजेय। ठीक है, या अगर यहां लिख देता दोस्तों, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, अपराजेय। अंतर है, अजय अलग है, अपराजय अलग है। ठीक है, यहां पूछा है जिसे जीता न जा सके, तो अजय, अजय व्यक्ति भी हो सकता है, अजय कोई किला भी हो सकता है, जैसे कुंभलगढ़ किले को अजय किला कहा जाता है, उसे कोई जीत ही नहीं पाया आज तक, ठीक है, तो अजय किला कहा गया, अजय दुर्ग कहा गया, इस तरह का शब्द आपने सुना होगा। ठीक है,
आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है बिना वेतन काम करने वाला। बिना वेतन काम करने वाले को क्या कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं। अगर वेतन के साथ काम करता तो क्या कहलाता? वैतनिक कहलाता, क्योंकि बिना वेतन का काम कर रहा है इसलिए अवैतनिक कहला रहा है। ठीक है, यहां पर भी याद रखिएगा बिना लिखा हुआ है। कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, यानी बड़ा भाई है। ठीक है, अब जिसका जन्म पहले होता दोस्तों उसे अग्रज कहते हैं। ठीक है, जिसका जन्म पहले होता उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म दोस्तों बाद में हुआ है, यानी जो छोटा भाई, छोटा भाई, ठीक है, जिसका जन्म क्या हुआ दोस्तों, जन्म अगर बाद में हुआ, बाद में हुआ, ठीक है, बाद में हुआ, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे हम अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अग्रज और अनुज, ये दो शब्द हैं, इसको याद रखिएगा। करा दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? दोपहर के बाद के समय को कहा जाता है अपरान। क्या कहा जाता है? अपरान। ठीक है, अपरान, पूर्वान्ह, अपरान्ह, दो शब्द होते हैं, इसको याद रखेगा, ये दोपहर के बाद का समय। करा जो पराजित न किया जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। क्या कहते हैं? अपराजेय। जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या हो जाएगा? अपराजेय मत कर दीजिएगा, पराजय अलग हो जाएगा, वो तो पराजित से संबंधित है। अपराजेय, अपराजित, जिसे पराजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अपराजेय कहते हैं। करा अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना, वही क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति। ठीक है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल से पग धोए। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने जब सुदामा पहुंचे तो श्री कृष्ण की मित्रता की बड़ी, अपने मित्र की बड़ी याद आई, करी बाप रे, हम इतने बड़े राजा और हमारा मित्र की हाल है। देख के खुशी के आंसू जो उनको गिरने लगे, और उन्होंने कहा जाता है कि श्री कृष्ण के आंख से इतने आंसू गिरे कि उन्होंने सुदामा का पैर उसी से धुल दिया। अतिशयोक्ति, इसे लोग अतिशय कहते हैं, हो सकता है उस जमाने में ऐसा हो। ठीक है, तो ये प्रेम को दर्शाता है। लोग हमेशा अलंकार में चले जाते हैं, आप प्रेम देखें ना कि कितना प्रेम होगा। ठीक है, तो अब वही है, आंसुओं से गालों पर लकीर बन गई, जो सोचा ना था वो तकदीर बन गई, हमने तो रेत पे अंगुली चलाई, देखा तो उसकी तस्वीर। होता है ऐसा कहीं? ठीक, ये सब शायरी है, ये सब मन की व्यथा है, जब टूटने के बाद बाहर निकलता है ना, तब इसी तरह से कुछ निकलता है, कुछ भी बोलेंगे शायरी बन जाता है। ठीक है, करा जिसका परिहार, परिहार मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब होता है छोड़ना, छोड़ना। करा जिसका परिहार या त्याग न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिहार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिहार्य। ठीक है, जिसका त्याग ना हो सके, अगर परिहार्य कर देते तब तो, अगर छोड़ देते तब तो परिहार्य हो जाता ना। यहाँ क्या लिखा है? जिसका परिहार्य ना हो सके तो अपरिहार्य कर लीजिए। आयोग के सवालों पे आज के बाद न वाला जहां पर होगा उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, देखिए वहां गलती ना हो आपसे। ठीक है, करा जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु। ठीक है, जिसको जीतने वाला कोई शत्रु न जन्मा हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। अजात शत्रु मतलब अब वो अभी किसी शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ है, इतना बड़ा जो है व्यक्ति पहुंच गया आगे। करा जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता अकिंचन। क्या शब्द होता है दोस्तों? अकिंचन। हालांकि जिसके पास कुछ ना हो उसे दरिद्र भी कहा जाता है, लेकिन अकिंचन कहिए ज्यादा सही है। ठीक है, अकिंचन कहिए ज्यादा सही है, दरिद्र अलग व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, करा जो कानून के प्रतिकूल हो, यानी जो विधि के विरुद्ध हो। क्या लिखा दोस्तों? सीधे सीधे विरुद्ध दे रहा है, प्रतिकूल दे रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब गैर कानूनी हो जाएगा। ठीक है, जो कार्य कानून के विरुद्ध है उसे गैर कानूनी कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं दोस्तों? क्योंकि विधि के विरुद्ध की बात कर रहा है इसलिए अविधिक कह दे क्या? अविधिक। ठीक है, अविधिक कह लीजिए, गैर कानूनी कह लीजिए। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, कानून के विरुद्ध हो, कानून से परे हो। ठीक है, अलग हो। ठीक है, जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो क्या होगा भैया? इसका क्या होगा? इसका जो समय पर ना हो, सोचिए सोचिए, जो समय पर ना हो, जो समय पर ना हो, चल नहीं रहा दिमाग में कुछ, आप बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? समय पर हो, सामयिक, समय पर असामयिक घटना याद आ गया। सुनिए, एक हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे किसी की एक्सीडेंट हो गया, मृत्यु हो गया, अचानक से सुनते तो टीवी में, समाचार में हर जगह देखते हैं कि भैया उनकी असामयिक मृत्यु होगी, मतलब समय से पहले, वो जाने का उनका उम्र नहीं था, पहले हो गया। तो ये लिखा है दोस्तों, जो समय पर ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? असामयिक होता है। ठीक है, असामयिक। एक पढ़ते हैं समसामयिक, एक किताब आती समसामयिक घटना चक्र, बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, जब कभी सिविल का आपको एग्जाम देना हो ना, तो आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो,
समसामयिक घटना चक्र एक बार जरूर रीड किया करो, 3 महीना 6 महीने का लेकर के एक बार रीड करो, बहुत सारे सवाल वहाँ से बनते हैं, मैंने खुद देखे हैं। मुझसे कोई पूछता तो मैं जरूर सजेस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। समसामयिक घटना चक्र, समसामयिक मतलब क्या होता है, जो अभी अभी चल रहा है साथ साथ, जो समय चल रहा है इस समय में जो कुछ भी घटित हुआ उसके लिए शब्द आता है समसामयिक, ठीक है। समसामयिक जो समय पर हो, ठीक है। करा जो अवश्य होने वाला है, अब अगर कंफर्म होगा तो उसे अवश्यंभावी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो अवश्य होने वाला है उसे क्या कहते हैं, अवश्यंभावी कहते हैं, ठीक है, अवश्यंभावी कहते हैं, याद रखिएगा। करा जिसका विवाह न हुआ हो, सर हम, अरे हम नहीं, हम हैं विवाहित भाई, ठीक है, हमारे पास पुत्र भी हमारा, ठीक है, स्वास्तिक, कितना अच्छा नाम है ना, स्वास्तिक नाम, हाँ, मैंने सोचा बच्चे का नाम एक ऐसा रखा जाए ना कि बस एक चिन्ह में ऐसे बना दो, यही है नाम ना, स्वास्तिक, ठीक है। तो आपको बता रहा हूं कि अविवाहित, ठीक है, तो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए क्या शब्द आ जाएगा, उसके लिए शब्द आ जाएगा अविवाहित शब्द आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अविवाहित शब्द आ जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, कहीं कोई डाउट, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सवाल कराऊंगा भाई, बहुत मजेदार। एक चीज बताना चाहूंगा, कई बार आपके मन में आता सर हिंदी तो इतनी अच्छी चल रही है हमारी, सर जीएस कहां से पढ़े, अरे जीएस, अरे आइए नितिन सर से पढ़िए भाई, हम केवल हिंदी की प्रतिमूर्ति नहीं है, ठीक है, आप आइए जीएस में, इतने विषय पढ़ा दिया हूं, कुछ बचा नहीं, एक लाइन भी पढ़ने को नहीं बचा। आप आएंगे पढ़ने, कहेंगे सर पेट भर गया, मन भर गया, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, पूरा संविधान, पूरा विश्व का भूगोल, और आपको पता है ये पढ़ाते पढ़ाते ये जो क्लास चलती कितने बजे चलती, ये क्लास चलती दोस्तों सुबह के 9 बजे, ठीक है, और इस क्लास में मैं अब तक दे चुका हूं दोस्तों कुल मिलाकर 350 क्लास, 350 क्लास अब तक की क्लास में दोस्तों 10,500 सवाल लिख लिख कर दोस्तों पूरा डिस्कस कर दिया गया, ठीक है, कितने सवाल, 10,500 सवाल। अब बताइए अगर आप भी आप नहीं जागे ना तो पता चलेगा 15,000 सवाल हो जाएगा, 20,000 सवाल हो जाएगा। आप आइए सर इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पे वही तो चल रहा है इस समय, ठीक है, आप आइए, हो सकता है आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो भी आपको इस सीरीज देखने की जरूरत जरूर है, ठीक है, एक बार पढ़िए, बहुत कमाल की सीरीज है, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, किसी से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल की तैयारी कर रहे हैं, ये आयुर्वेदिक दवाई के जैसा है, ये प्राणायाम के जैसा है, योगा के जैसा है, आपको फायदा के सिवा नुकसान कतई नहीं करेगा, आप पढ़ के देखिए पहले तब समझ आएगा, ठीक है, आगे बढ़िए। करा जो व्यवहार में न लाया गया हो, जो व्यवहार में न लाया गया हो उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों, उसके लिए शब्द है अव्यवहारित, क्या शब्द है दोस्तों, अव्यवहारित, क्या नाम है, अव्यवहारित शब्द है दोस्तों, जो व्यवहार में न लाया गया हो, जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पर दो चीजें हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य भी कहते हैं या उसे लाइलाज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे लाइलाज भी कहते हैं, ठीक है, असाध्य या फिर लाइलाज भी कहते हैं, याद रखेंगे। करा कि किसी कार्य के लिए दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता होती, किसी कार्य के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसे क्या कहते हैं, उसी को तो अनुदान कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुदान, या फिर इंग्लिश में इसी को क्या नाम दे देते हैं, सब्सिडी कहा जाता ना, अनुदान या फिर सब्सिडी कहा जाता है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, ठीक है, आर्थिक, आर्थिक का मतलब हो गया द्रव्य देने की बात हो रही है, आर्थिक सहायता का मतलब क्या हो गया, द्रव्य, द्रव्य का मतलब क्या हो गया, धन, द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य धन को कहा जाता है, ठीक है। करा व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मित व्यय, अच्छा अपव्यय कहते हैं, मित व्यय कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर व्यर्थ में खर्च कर रहा है तब उसे अपव्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, अपव्यय कहते हैं। मित व्यय किसे कहते हैं, कम खर्च करने वाले को, मित, मित माने होता कम, कम खर्च करने वाले के लिए दोस्तों मित व्यय शब्द होता है, ठीक है, यहां अपव्यय शब्द हो जाएगा, अपव्यय मत करिएगा, करने वाला बोल रहा है इसलिए व्यय करिएगा, आपको व्यक्ति की तरफ जाना है, ठीक है। और आगे आ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर, अगला सवाल दे रहा है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, आशा ना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आशातीत कर ले, ठीक है, क्या कर ले, आशातीत, नहीं ये नहीं मजा आ रहा है, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित कर लीजिए, ठीक है, अप्रत्याशित, आशातीत तब करते जब आशा से परे लिखता, अ कुछ भी गलत लिख रहा हूं मैं अभी भी, अप्रत्याशित, ठीक है, प्रत्याशित, ठीक है, आशातीत कब लिखते, जब लिखता आशा से परे, ठीक है, आशा से, आशा से परे, जैसे कभी कभी आपको बहुत जरूरत होती है लेकिन आप जो कल्पना करते हैं उससे ज्यादा कुछ हो जाता है आपके साथ, तो आप कहते हैं आशा से परे, आशातीत तब हो जाता है, ठीक है, वो अलग चीज है। करा पुरुष जो अभिनय करता हो, जो अभिनय करता है, अभिनय का मतलब क्या है, एक्टिंग,
अभिनय का मतलब क्या है? एक्टिंग। तो जो पुरुष अभिनय करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अभिनेता। अगर वही महिला होती तब उसे हम क्या कहते हैं? अभिनेत्री। ना जो महिला अभिनय करती है, करा है कि जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अभेद्य। हम कई बार पढ़ते हैं ना कि भैया फला किला अभेद्य किला है, उसको आज तक कोई भेद नहीं पाया, उसको आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, अभेद्य किला। ठीक है, करा जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे अंत्यज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अंत्यज। दो शब्द होता है, अंत्यज भी लिया जाता है या कुलीन लिया जाता है। सर हम क्या माने? आप कुलीन मान लीजिए, अंत्यज भी सही है कुलीन भी सही है, क्यों अलग अलग करना? ठीक है, कुलीन, ठीक है, ये दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ, जिसका जन्म अंडे से हुआ उसे अंडज कहते हैं, जिसका जन्म पसीने से हुआ उसे स्वेदज कहते हैं, जो धरती फोड़कर जन्मता उसे उद्भिज कहते हैं। लिख लीजिए कहीं पर, ठीक है, लिख लीजिए, यहां अलग पेन से लिखवा दे रहा हूं। ठीक है, एक शब्द आता है उद्भिज, उद्भिज, ठीक है, उद्भिज का मतलब होता है जो जो धरती धरती फोड़कर 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 जन्मता है, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। अंडज किसे कहते हैं? जो अंडे से जन्मता है, जो जो अंडे से जन्मता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंडज कहते हैं। इसी तरह से आप याद रखेंगे, मामला आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए दोस्तों अगले सवाल पर। कह रहा है कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल आता है जो अभी तुरंत तुरंत पैदा हुआ हो, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा। एक पूछता है तत्काल कविता करने वाला, पहले मेरे दिमाग में जितना आ रहा है उतना मैं आपको बता दूं, एक पूछता है सवाल तत्काल कविता करने वाला, तत्काल कविता करने वाले को कहा जाता है दोस्तों आशुकवि, आशुकवि। और एक शब्द होता है जो दिमाग में अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसके लिए ये अलग हो जाएगा। ठीक है, जो एक शब्द मैंने लिखा है आपको प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्यु होता है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, जो दिमाग में अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, ठीक है, ये दिमाग में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ठीक है, तब हम कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। लेकिन दोस्तों कह रहा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, इस वाले उत्पन्न का मतलब जन्म की बात हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए जो शब्द होगा वो होता है दोस्तों अद्यह प्रसूत। क्या शब्द होता है? अद्यह प्रसूत शब्द होता है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं कि थोड़ा हिंदी रंगीन भी हो जाती कभी कभी, आप हिंदी को हल्के में न लेके चलिए। हिंदी है बड़ी मजेदार, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए चट भर में क्या हुआ, अलग अलग जवाब हो गया, तीन सवाल तीन जवाब। ठीक है, मजा आया ना पढ़ के, सीखते चलिए ऐसे ही। अगला लिख रहा दोस्तों सवाल कि जिसको क्षमा ना किया जा सके, कहा जाता है ना उसने अक्षम्य अपराध किया है, उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, अक्षम्य। अगर क्षमा कर देते तो क्षम्य हो जाता, अब क्योंकि अपराधी अक्षम्य है, उसे क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है तो अक्षम्य हो जाएगा। करा जो न जाना जा सके, जो न जाना जा सके उसे कहते हैं अज्ञेय। क्या कहते हैं दोस्तों? अज्ञेय, जिसे जो जान न जाना जा सके, जो कुछ न जानता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए न जानने वाले के लिए कई शब्द है, एक शब्द है दोस्तों अनभिज्ञ। क्या है? आप कहते हैं ना सर मैं उस बात से अनभिज्ञ था, मुझे तो पता ही नहीं था, या फिर आप एक शब्द कह देते हैं अज्ञ। अज्ञ मतलब होता है जो कुछ ना जानता हो, या एक शब्द आप लिख सकते हैं अज्ञ से बनता है अज्ञानी। ठीक है, ये आप याद रखिए, ये सारे शब्द किसको डिनोट करते हैं? जो कुछ नहीं जानता। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है। लिखिए यहां पर, लिखिए अलग से। ठीक है, बहुज्ञ का मतलब क्या है? जो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ की जगह एक शब्द आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, सब कुछ जानता हो वो क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। एक शब्द होता है अल्पज्ञ, जो कम जानता हो, अल्प माने कम, जो कम जानता हो उसे क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ शब्द हो जाएगा। ठीक है,
और आगे ये करा कम बोलने वाला। कम बोलने वाले को क्या कहा जाता है? कम बोलने वाले को क्या बोला जाता है? मितभाषी बोला जाता है। मितभाषी, मित का मतलब ही दोस्तों कम है, ठीक है। मितभाषी यानी कम बोलने वाला। देखिए गूंगा मत करिएगा, गूंगा मत करेगा। गूंगा उसे कहा जाता है, गूंगा जो शब्द होता है उसे कहा जाता है जो न बोलने वाला हो, न बोलने वाला। अगर एकदम नहीं बोलता तब व्यक्ति को गूंगा कहा जाता है, अगर कम बोलता है तब उसे मितभाषी कहिए या फिर उसे अल्पभाषी कहिए। अल्प का मतलब भी कम होता है ना, तो उसे अल्पभाषी भी कह सकते हैं। इसी तरह एक शब्द होता है मृदुभाषी। एक शब्द आता है, नोट करिए यहां पे, एक शब्द आता है मृदुभाषी। मृदुभाषी किसे कहते हैं दोस्तों? मृदुभाषी मतलब मीठा बोलने वाला, ठीक है। मृदुभाषी ये किसे कहते हैं? मीठा बोलने वाला, ठीक है। इसी तरह कटुभाषी, कटुभाषी कहा जाता है कड़वा बोलने वाला, ठीक है। कटुभाषी किसे कहा जाएगा? याद रखेंगे कड़वा बोलने वाला, कड़वा बोलने बोलने वाला, इसे क्या कहते हैं? कटुभाषी कहते हैं। ये सारे तथ्य भी आप याद रखिए, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा थोड़ा जानने वाला, जो थोड़ी बहुत बातें जानता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर थोड़ा जानता है तो विज्ञ कर देना, ठीक है। या फिर थोड़ा का मतलब यहां कम से, ठीक है। थोड़ा का मतलब क्या है? कम से। और आप जानते हैं कम जानने वाले को क्या कर दें? अल्पज्ञ कर लीजिए, सबसे अच्छा, ठीक है। कम जानने वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। करा जिसका कभी अंत ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अनंत कहते हैं ना। आप क्या कहते हैं? यह ब्रह्मांड अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, तभी तो अनंत कहते हैं। जिसके माँ बाप ना हो ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? कि बच्चा अनाथ है। और जिसके माँ बाप होते हैं वो बच्चा क्या होता है? स्वनाथ होता है, ठीक है। नाथ मतलब माता पिता, जो उनके पालन पोषण करते हैं, ठीक है। तो अनाथ सनाथ ये दो शब्द आ जाते हैं, इसको याद रखिएगा। करे जिसके समान कोई दूसरा न हो, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द बता के दिखाइए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ठीक है। अब उसके दूसरा लिखा है तो बच्चे यहां कर देते हैं अद्वितीय, ठीक है, कि भैया वो अद्वितीय है, उनके समान कोई दूसरा नहीं है। एक होता दोस्तों अनुपम शब्द, जो दूसरों के समान ना हो, अंतर हो जाता अनुपम, ठीक है। एक शब्द दे देता है अनुपम, ठीक है, जो जो दूसरों के समान ना हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। करा जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चलता है उसे अभियुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पर मुकदमा चल रहा होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अभियुक्त होता है। करा जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसे, इतना कृपा हो जिसकी कोई सीमा ना हो, असीम। करा जिसके आने की कोई तिथि ना हो, भाई उसी को तो अतिथि कहते हैं, अतिथि देवो भव। जिसके आने की कोई तिथि उथि नहीं होती उसे क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं, अतिथि, ठीक है, इसको याद रखिए। आगे बढ़िए। करा जिसे भुलाया ना जा सके, आहा क्या बात कर दिया, ठीक है। भुलाना, देखिए भुलाना का मतलब होता है विस्मरण। एक शब्द होता है यहां पर विस्मरण, ठीक है, विस्मरण, ठीक है। विस्मरण मतलब होता है भुलाना, ठीक है। स्मरण माने होता है याद करना, और विस्मरण माने क्या होता है? भुलाना। तो कह रहा जिसे भुलाया ना जा सके उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसी से एक शब्द बन जाता है अविस्मृति। क्या बन जाता है? अविस्मृति बन जाता है, मतलब नहीं भूलना है। भूल जाते तो विस्मृति हो जाता ना, स्मृति माने याद होता है, विस्मृत माने भूल जाना, अविस्मृत माने न भूलना, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। करा जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा ना हो उसे अनुपम भी कहते हैं, या जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे भी अनुपम कहते हैं, ठीक है। तो यहां अनुपम कर लीजिएगा। करा जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं दोस्तों अनाहूत। क्या कहते हैं? अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। अगर बुलाया गया होता, अगर बुलाया गया हो तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे आहूत कहते हैं। हम कहते हैं कि राष्ट्रपति संसद को आहूत करते हैं। आहूत, आहूत मतलब क्या होता है? बुलाना, संसद बुलाना। और संसद को वापस भेजना क्या कहलाता है दोस्तों? अनाहूत कहलाता है, ठीक है। तो दो चीज याद रखिएगा। करा जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जिसे वाणी ही व्यक्त न कर सके उसके लिए शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय, ठीक है। जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। कहीं कहीं पर दोस्तों तो होता अकथ्य शब्द आता, अकथ्य। अकथ्य मतलब होता है जिसे कहा ना जा सके, जिसे जिसे कहा न जा सके, जिसे कहा ना जा सके दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे अकथ्य कह सकते। कथ्य माने कहना, अकथ्य माने न कहना, जिसे कहा ना जा सके, अंतर है दोनों में, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे अच्छे से। अगले सवाल पर आइए। करा जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब देखिए अंतर है, पीछे आपने पढ़ा अनिर्वचनीय, क्या पढ़ा?
निर्वचनीय, ठीक है। तो अनिर्वचनीय मतलब क्या हो गया, जिसे कहा ना जा सके, जिसे कहा नहीं, जिसे वर्णों में व्यक्त व्यक्त न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय। जिसे शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते उसे क्या कह सकते हैं, उसे अकथनीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अकथनीय कहते हैं। कह रहा जिसका निवारण न हो सके, न वाला सवाल तो इतना भरा पड़ा, मैं क्या करूं। अगर आयोग बार बार आपसे पूछ रहा है, मैं क्यों उसमें बेईमानी करूं भाई, मैं तो खाली ये चाहता हूं ना कि आपको मैं दिखाऊं कि सच में देखो आयोग ने पिछले 25 साल में क्या क्या पूछा। और अभी तो मैं बहुत बड़ा डिक्शनरी, अभी तो मैं आप ही चल रहा हूं, सोचो कगल सब बचा हुआ है, ठीक है। करा जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे अनिवारणीय कहते हैं। या फिर एक शब्द और आप यहां लिख सकते हैं, असाध्य भी बोल सकते हैं, असाध्य, ठीक है। जिसका इलाज संभव नहीं है, जिसका निवारण नहीं हो सकता, ला इलाज आप पढ़े थे ना, वो भी ले सकते हैं यहां पर। करा जो अनुकरण करने योग्य हो, ठीक है, तब तो आप आराम से कर सकते हैं अनुकरणीय, क्या कर सकते हैं, अनुकरण करने योग्य तो अनुकरणीय। करा किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुचर कह सकते हैं। किसी के पीछे पीछे चलने वाले के लिए क्या शब्द हो सकता है, अनुचर या फिर अनुगामी, ठीक है। गमन करना से बना अनुगामी, ठीक है, अनुगामी भी कर सकते हैं, इसे भी रखिएगा याद में, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत, आराम से समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, समाप्त हो गया, मजा आ गया पढ़ के, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जुड़ी है तो बहुत सारी हम किताबें भी बनाते हैं, किताब ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि सर कैसे किताब को लिया जाए। वैसे किताब लेना बहुत आसान है, आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन या वेबसाइट पर आइए, वहाँ किताब दिखेगी, आप बाय नाउ कर सकते हैं, किताब आपको भेज दी जाएगी। और ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं पहले, ये उनके नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, ये परचेज करते हैं तो आपको ई बुक फॉर्म में मिलते हैं, उसे आप खुद से प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। आज तक मैंने जितनी भी क्लास दिया समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस में चाहे हिंदी में, उन सभी का पीडीएफ आपको निःशुल्क अवेलेबल कराया गया है, ताकि आप आराम से परीक्षा टाइम में रिवाइज कर सकें, उसके पहले भी रिवाइज कर सकें। तो पूरे वीडियोज को आप देख सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वेबसाइट है, यहाँ पे विजिट कर लीजिए, एप्लीकेशन विजिट कर लीजिए, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।